एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, शहर बेंगलुरु में बहुत से सोशल वर्कर हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत से कमेटियां हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलेंगे, एक ऐसे नौजवान से मिलेंगे जो उसने अपने वार्ड के लोगों के लिए मदद करने के लिए हर हमेशा आगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हनीफ़ की। हनीफ़ जो पिलाना गार्डन में रहते हैं, जिसने इतनी लोगों की मदद की है, हम लगातार इनके वीडियोस बनाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात अगर पैन कार्ड की हो, आधार कार्ड की हो, बर्थ सर्टिफिकेट की हो, या इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की हो, आप अगर दूसरे के पास जाते हो, आप किसी एजेंट के पास भी जाते हो, तो तकरीबन 400 से 500 रुपये जो है उनकी फ़ीस रहती है। लेकिन हनीफ़ एक ऐसे शख्स हैं जो हर हमेशा फ्री में करते हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा इन्होंने जो है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बना दी है, और ये मुसलमान करके मुसलमान को नहीं देखते, ये चाहे किसी भी मज़हब का लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ये हर हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहते हैं। पैन कार्ड के लिए इन्होंने अभी तक किसी को चार्ज नहीं किया है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट के लिए चार्ज नहीं किया है, और बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें ये जो है हर हमेशा फ्री में करते हैं। दोस्तों, हनीफ एक ऐसे शख्सियत है जो कोई पैसे वाले नहीं है, या इनका ख़ानदान पैसे वाला नहीं है, या इनके बाप दादा पैसे वाले नहीं है। एक सीधा साधा इंसान जो अपने लोगों में जो है अपनी खुशी ढूंढता है। जी हाँ दोस्तों, हनीफ का सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना। हनीफ एक लालची इंसान है, और लालची पैसों का नहीं, लालची लोगों की खुशी का। तो चलिए, ऐसे शख्स से आज हम बात करेंगे और जानते हैं कि ये जिस तरह से खिदमत करते हैं, जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं, ये क्यों करते हैं। और आज क्रिसमस के दिन इन्होंने जो है यहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो लोग हैं उन लोगों के लिए राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बार रमज़ान लीडर्स राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हनीफ एक ऐसे लीडर हैं जो चाहे वो रमज़ान हो, बकरीद हो, गणेश हो, दीपावली हो, क्रिसमस हो, या पोंगल हो, हर हमेशा लोगों के कोई भी फेस्टिवल में जो है उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। तो எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங். இங்கே வந்து நம்ம எதுக்கு இப்போ பேச வந்துக்கிறோன்னா, இந்த மாதிரி சோஷியல் சர்வீஸ் அனீஃப் பண்ணுறாரு, அனீஃப் பையா பண்ணுறாரு. அவங்க ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, ஐடி கார்டு, அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் செத்துருக்காங்களே, டெட் ஆகிருக்காங்களா, அவங்களுக்கு பென்ஷன், அப்புறம் ஸ்கூலு, காலேஜ் ஃபீஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க எந்த அளவுக்கு சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த அளவுக்கு நம்மளே ஹெல்ப் பண்ணோம் அவங்களுக்கு. எவ்வளோ பேர், நிறைய பேர் எம்எல்ஏ, கவுன்சிலர் எல்லாரும் இருக்காங்க, ஆனால் அவங்க அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்களான்ட்டு என்னால் சொல்ல முடியல. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேருக்கு, நிறைய ஏழைப்பட்டவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஜாதி மதம் வந்து இவங்க பார்க்கறது இல்லை, இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் யாரையோ பார்க்கறது இல்லை. அந்தந்த பண்டிகை வரமோ அந்தந்த ஆளுங்களுக்கு கரெக்டான ரேஷன் அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி 30 வார்டில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அவங்க. 30 வார்டுனாக்கா அது அவங்க இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் நிறைய பேருக்கு, நிறைய பசங்க காலேஜ் ஃபீஸு, ஸ்கூல் ஃபீஸு, நிறைய நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இதே மாதிரி அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும். அவங்க எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த அளவுக்கு நம்மளும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். கடைசி மட்டும் அவங்க என்ன சொல், அவங்க ஒரு கவுன்சிலராகவும் ஒரு எம்எல்ஏவோ அவங்க சீக்கிரமாக ஆகணும். அதுக்காக எல்லாரும் ப்ரே பண்ணினா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம். எங்கள் பேர், என் பேர் நான்சி. நான் வந்து தங்கமலை, டிஜே அள்ளி தங்கமலை நகரில் இருக்கேன். நான் அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து நான் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னா, அவங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு நல்லவங்களாக இருப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். அல்ஹம்துலில்லா, 500 லோகம் கோ ஆஜ் அல்ஹம்துலில்லா. जो क्रिश्चियन भाई थे, इनके वास्ते हम रेशन डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि आसानी के साथ जो है ये ईद गुजारे. हमारे इलाकों में, हमारे वार्ड में बहुत सारे क्रिश्चियन भाई, उनको ईद करने तक रेशन नहीं था, हमने देखा जाके घर घर. इसलिए आज उनको जो है 500 अजमा को यहाँ टोकन इशू कर आज अल्हम्दुलिल्लाह 500 अजमा को इशू करें. ऐसे लीडर होते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, उन लोगों को इस मौके पर आना था और आकर चीज़ ऐसे काम करना था. लेकिन हम जो है सोशल वर्कर 8-10 साल से, बहुत सारे दिनों से, हर साल हमें ऐसा कर रही है. क्रिसमस के टाइम पर, और जो है रमज़ान के टाइम पर, और जो है पोंगल के टाइम पर, हर ईद में जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाकों में ऐसा राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही, ताकि लोग, हम जो है हम जैसे ही उन्होंने भी इंसान है, इंसानियत देखना है, ताकि हम जैसे इंसान को जो है हमें हेल्प करना है. खिदमत ये है, आवाम की खिदमत, लोगों की खिदमत, ये जो है गैर मुस्लिम की खिदमत, सबकी खिदमत करना. खिदमत से खुद खुदा मिलता है, अल्लाह खुद राज़ी होती है. इसके गुरबा की तादाद ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड भी बहुत कम है, तो इस वजह से जो है जब उनके पास सर्टिफिकेट की बात आती है, डॉक्यूमेंट की बात आती है, तो इस मामले में भी आप बड़े काम करते हैं, तो इसके तरफ से कुछ बताएँ. अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो ऑलरेडी बहुत सारों को हमने इनकम सर्टिफिकेट, वोटर आई डी,
और ओल्ड एज पीपल को जो है पिंशन बना कर दिए और विडोस औरत के लिए पिंशन बनाए, हेल्थ कार्ड बनाए, ऐसे बहुत सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से हमने तो करी और आवाम तो हमारे से हज़ारों के लिए खुश है हमारे काम से। हम जैसा कर रही वो बड़े लोग भी जो बैठे हैं अपने आप को जो बड़े समझते हैं वो भी आकर ऐसा आवाम की खिदमत करें, कौम की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें और भी जो है पब्लिक को फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। और हम जो है जी तो क्या कहना चाहेंगे इस क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्रिश्चियन लोग को हमने जो है रेशन दिया आज से सब हमारे से खुशी हमारा विश्व हैप्पी क्रिसमस बोलते कि हमारे जो है काम से बहुत खुशी पूरे खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से काम कर रही और भी इंशाल्लाह और ज़्यादा हमें जो है कौम की खिदमत आवाम की खिदमत करेंगे सबकी खिदमत करेंगे सबके काम करेंगे इंशाल्लाह। ये अनीत सर तुम्बा सोशल वर्क मारतारे और तुम्बा सलाह मारतारे वल्लेदु मारतारे और बंदो पिंचेनो स्कूल फीसु मने मने राशेनो पोंगलु दीपावली रमजानु बकरीद हब्बाल बंद्रे अवरु राशन कोड्तारे तुम्बा हेल्प मारतारे ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನರು ಕೌನ್ಸಿಲರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಓದ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಆದರೆ ಓದ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಓದ್ ತಗೋ ಮಾಕ ಮಾತ್ರನೇ ಬಂದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರನ್ನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಆದರೆ ಇವರು ಬಂದರೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಹಣ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವಂತ ಹಣ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು।